हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ गौरव मिश्रा, और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ कि जब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट क्या होती है, उसमें इम्पीडेंस क्या होता है, और ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस अपने लेक्चर में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सपोज कर लेते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, अच्छा, और इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। कैपेसिटर लगाया और इसके साथ एक क्या लगा दिया बच्चों, रेजिस्टर लगा दिया। सपोज दैट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज सी माइक्रोफेरेड या फेरेड जो भी कहिए, एंड रेजिस्टेंस इज आर, एंड वी प्रोवाइड वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट। द वोल्टेज प्रोवाइड बाय सोर्स इज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैग्नीट्यूड की बात होती है बच्चों, ध्यान रखना, यहां पे वी मैग्नीट्यूड दिया गया वोल्टेज का। इस वोल्टेज की वजह से आपको पता है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आ जाएगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर पे आ जाएगा। तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, मैंने कहा VC, रेजिस्टर पर कितना आया, मैंने कहा VR। अच्छा, हमको ये तो पता है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, XC। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं VC इज इक्वल टू I इंटू XC। बच्चों जनरली VC इज इक्वल टू I इंटू XC नहीं रख सकते अगर विद फेस बात करनी हो, बट अगर यहां ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। हम यहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि VC का मैग्नीट्यूड कितना है, एंड VR इज इक्वल टू I इंटू R। Now we have to make the phasor diagram of C and R। जो वोल्टेज है C और R पे उसका phasor diagram बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करंट को x एक्सिस पे बना लेंगे और अब हम ध्यान देंगे कैपेसिटर के लिए। भाई कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में I लीड करती है। I क्या करती है, इसमें लीड करती है। जब I लीड करती है इसका मतलब है कि वोल्टेज लैग्स करता होगा, और लैग्स करने का मतलब वो माइनस y एक्सिस में चला जाएगा। कितने एंगल से करती है, तो I लीड्स, ठीक है, विद पाई बाई टू। कितने फेस से एंगल लीड करती है, पाई बाई टू से। किससे लीड करती है, वोल्टेज से। अच्छा ध्यान दो, तो इसका मतलब जो इसका वोल्टेज VC है वो कहां चला जाएगा, वो माइनस y एक्सिस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है। देखो करंट लीड करती है, मतलब वोल्टेज लैग्स करता है। कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो ये हमारे पास हो गया VC, ध्यान देना। और ध्यान दीजिए, यहां पे VR किधर जाएगा, तो इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में V एंड I क्या होता है, आर इन सेम फेस। सेम फेस का मतलब जिधर V होगा उधर ही I होगा, या ये कहो जिधर I है उधर ही V शो करेंगे, ठीक है, सेम फेस में हो गया। इसका मतलब इसमें जो V शो होगा वो कुछ ऐसा शो, ये VR हो गया। नाउ वी हैव टू टेक द रिजल्टेंट, हमको इसका रिजल्टेंट लेना है। रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे भाई, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है उनके मैग्नीट्यूड शो किए गए हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया V। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। क्या लग रहा है इसको देख के तुम्हें, क्या फीलिंग आ रही है भाई इसको देख के तुम्हें, क्या लग रहा है, देखो एक ये VC है तो ये वाला भी पोर्शन कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू, सो
नेट वोल्टेज V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इसका जो नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको ये समझ सकते हो R इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 90 है, वी आर और वी आई सी के बीच का एंगल क्या है 90, इस वजह से ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या आएगा यहां से जरा ध्यान दो, तो V इक्वल सॉरी नेट वोल्टेज V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वी आर और वी सी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इस वजह से ये आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, दिस इज द नेट वोल्टेज। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि VC की जगह I इंटू XC और VR की जगह देखिए I इंटू R पुट कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट नाउ, वी गेट V इक्वल टू रूट में आई आर का होल स्क्वायर I इंटू XC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर यहां से, I स्क्वायर यहां से बाहर आ जाएगी, तो आई स्क्वायर बाहर आई रूट के कितने बचेगी, आई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इज वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यू नो वी अपॉन आई शोज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नेट, पूरा इसका जो कह सकते हैं कि रेजिस्ट कर रहा है सर्किट, और उस रेजिस्ट को हम लोग बोलते हैं जेड। यहाँ पे वी अपान आई को क्या बोलते हैं, जेड। जेड का मतलब इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। जेड क्या है, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, जेड देखो एलआर में भी आया था, तो इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। इट मींस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये कितना आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला फॉर इम्पीडेंस। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि एक्स सी की एक और फार्मूला हमने पढ़ा रखा आपको, वन अपान टू पाई एफ सी या वन अपान ओमेगा सी, इनमें से भी कोई पुट करके आप निकाल सकते हैं। मींस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर होल ऑफ रूट। एक ये फार्मूला भी हम यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जेड के इम्पीडेंस के ये दो फार्मूले हो गए। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो नेट वोल्टेज है वो करंट से लीड करता है या लैग्स करता है। बच्चों ध्यान से देखिए, करंट इधर है, वोल्टेज नीचे आया। मैंने बताया था एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में रखिए, अगर नेट वोल्टेज नीचे आ गया तो वो लैग्स करेगा, वोल्टेज लैग्स हो गया। अगर ये ऊपर चला गया तो वोल्टेज लीड करता। इसका मतलब इस सर्किट में V लैग्स, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं I लीड्स, ठीक है, द वोल्टेज बाय फेस phi, ये एंगल, एंड द वैल्यू ऑफ फेस इज tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी सी अपॉन वी आर। इसका मतलब tan phi बराबर I इंटू एक्स सी अपॉन आर। अब देखिए तो I से I नहीं रहे, tan phi इज इक्वल टू आ गया एक्स सी अपॉन आर। कितना आ गया, एक्स सी अपॉन आर, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक्स की जगह वन अपान ओमेगा सी अगर पुट कर दें तो टेन फाइव इक्वल टू वन अपान ओमेगा सी अपान आर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। यहां से अगर आप चाहो तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स में भी आप इस फार्मूले को नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाई इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्ससी अपान आर। ठीक है बच्चों, दिस इज सी आर सर्किट इन सीरीज। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट सोर्स के साथ, ठीक, ये तो सीआर के लिए आ गया, तो सीआर में मेन हमारे पास क्या निकला, वोल्टेज। नेट वोल्टेज क्या होता है सीआर सर्किट में, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। जेड कितना होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस वन अपान ओमेगा सी स्क्वायर। अच्छा, एंगल कितना होता है, फेस कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स सी अपान आर। और ये फेस किसका होता है, नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच का। यहां पे कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है या करंट लीड करती है, तो क्या मैंने यहां समझ लिया, आई लीड्स द वोल्टेज बाय फेस फाई। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहां पे आता है, व्हेन अ सर्किट कंटेन्स, ठीक है, अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जब सर्किट में कैपेसिटर के साथ साथ क्या लगा देंगे, इंडक्टेंस। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। अच्छा बच्चों, जब इंडक्टेंस साथ में लगा देंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, है क्या, हम मान लेते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, ठीक है, इसके साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी सी है। अब हमने इस कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर भी लगा दिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है। बच्चों हमने मान लिया कि इसमें हमने एक सोर्स लगाया और उस सोर्स की वैल्यू क्या है, एट टाइम टी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की यहां पे आपको वैल्यू से मतलब होता है, ठीक है, इस वैल्यू की वजह से कैपेसिटर पर वोल्टेज जनरेट हुआ वी सी और इंडक्टर पर जनरेट हुआ VL। इस नेट वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड किया सोर्स से, तो इसने कैपेसिटेंस पर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस किया VC और इंडक्टर पे कितना किया VL। बच्चों हमको पता है VC बराबर I इंटू XC एंड VL इज इक्वल टू I इंटू XL, जहां पे XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा यहां पे कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये इंस्टेंटेनियस केवल वैल्यू है, इंक्लूडिंग फेस इक्वेशन नहीं लिखी हुई टी टाइम की, ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है जो दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो हमको पता है करंट को तो हम बेसिक जैसे रखते थे, आई को हमने एक्स एक्सिस में रख दिया। अब जब हमें VC की जरूरत पड़ेगी वोल्टेज एट कैपेसिटर, तो वो क्या हो रहा है, वो लैग्स कर रहा है। कितने एंगल से लैग्स कर रहा है, 90 डिग्री से। इसका मतलब जो VC होगा वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ये हो गया VC। भाई कैपेसिटर पे V जो होता है वो लैग्स करता है, या कहो कैपेसिटर पे आई लीड करती है, ठीक है, आई लीड द वोल्टेज बाय फेस पाई बाय टू।
और अगर इंडक्टर पे बात करें तो कौन लीड करता है बच्चों? वी लीड करता है इस पे, वी लीड्स, आई बाई फेस पाई बाई टू। तो इसका मतलब जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि वोल्टेज लीड करेगा, और जो लीड करता है वो किधर बनता है बच्चों? ऊपर साइड। इसका मतलब वोल्टेज ऊपर बनेगा। मान लीजिए इतना है यहां तक पूरा, ये VL है, ध्यान दीजिए। अब बच्चों इस जगह पे ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है दोनों, फेजर डायग्राम क्या है? रोटेटिंग वेक्टर होता है वोल्टेज का और करंट का। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए तो VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो उनका नेट वोल्टेज कैसे फाइंड करते थे? उनको घटाकर। तो इनका नेट वोल्टेज कैसे आएगा? इनको घटाएंगे तो भाई रिजल्टेंट किधर जाएगा? जब किसी बॉडी पर दो अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं तो रिजल्टेंट किधर जाता है? जिसका फोर्स ज्यादा होता है, अगर इसका ज्यादा है तो इधर चला जाएगा, इसका ज्यादा है तो इधर चला जाएगा। कहने के सेंस अगर इसमें VL और VC देखें तो जो नेट जाएगा वो किधर जाएगा? जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? VL। देखो देख के नहीं लग रहा VL इतना बड़ा, VC इतना छोटा, तो ये होगा नेट। ये कितना हुआ? VL माइनस VC, दिस इज नेट। ठीक है बच्चों? अच्छा तो नेट वोल्टेज V इक्वल टू नेट जो हमने अप्लाई किया है VL माइनस VC। अच्छा तो बच्चों एक फार्मूला तुम्हारे पास ही आ गया नेट वोल्टेज का, और ध्यान दीजिएगा V इक्वल टू I इंटू XL माइनस I इंटू XC V अपान I। देखिए I दोनों में कॉमन लेके डिवाइड, XL माइनस XC ये इस सर्किट का इंपीडेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इस सर्किट का इंपीडेंस? Z। Z इज इक्वल टू हो गया XL माइनस XC। Z को मैं V नॉट अपान I नॉट भी लिख सकता हूं, Z को V नॉट अपान I नॉट भी लिख सकते हैं, या V अपान I लिखें, बात वही होती है, याद रखिएगा। तो बच्चों Z हमारे पास आ गया है XL माइनस XC, ध्यान दो यहां पे। जब Z इतना आ गया तो आप देखो अगर XL की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो सकता है? Z का फॉर्मूला है यहां से, यहां से एक फार्मूला ये भी हो सकता है Z बराबर ओमेगा L माइनस वन अपान ओमेगा C। इसमें कौन लीड करेगा भाई? इसमें कौन लीड करेगा? नेट। तो यहां पे देखो अगर VL बड़ा है तो रिजल्टेंट वोल्टेज ऊपर जाएगा, और हमने बताया था एक चीज x एक्सिस में, तो अगर दूसरी चीज ऊपर जा रही है तो वो लीड करेगी, तो करंट x में हो गई, तो वोल्टेज रिजल्टेंट अगर ऊपर गया तो वोल्टेज लीड करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इफ VL इज ग्रेटर देन VC देन V लीड्स द I by phase pi by 2, एंड इफ VC इज ग्रेटर देन VL, अगर VC बड़ा हो जाए गलती से तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमको पता है रिजल्टेंट हमेशा बड़े की तरफ होता है। देन I लीड्स, तो उस समय क्या हो जाएगा? I ऊपर हो जाएगा, रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा। द वोल्टेज बाई फेस पाई बाई टू। ये बच्चों हो गया LC सर्किट। अच्छा सबसे बड़ी बात यह होती है कि LC सर्किट में अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, कि XL और XC सेम हो जाए, क्या हो जाए? इसको हटा दो बच्चों, नोट कर लिया सबने, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, गुड। बच्चों अब मैं बात यह कर रहा हूं कि इफ इन एनी सिचुएशन, ठीक है, इफ XL इज इक्वल टू XC,
एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्ससी के। इन दिस सिचुएशन ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपान ओमेगा सी या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में वन अपान एल सी। दिस इज कॉल्ड रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू, सॉरी, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ होगा ओमेगा अपान टू पाई, मीन्स वन अपान टू पाई अंडर रूट में वन अपान एल सी। दिस इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है और ये एल और सी पर डिपेंड करती है। डिफिनेशन क्या होती है रिजोनेंस की, रिजोनेंस क्या होता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट देन दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी या दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या है, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है उस समय जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं रिजोनेंस, ठीक है। अच्छा, और उस समय की फ्रीक्वेंसी को रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर प्योर एलसी सर्किट हो सीरीज में और रिजोनेंस हो जाए तो उस समय जो कर भाई एक्सएल एक्ससी बराबर हो गया तो जेड क्या आ जाएगा, जीरो, और जेड जीरो हो जाएगा तो आई इक्वल टू होता था वी अपान जेड, भैया वी बटा जीरो, मतलब आई कितना हो जाएगा उस केस में, इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ करंट विल बी इनफाइनाइट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इस समय जो करंट होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, कब, जब प्योर एलसी सर्किट में रेजोनेंस होगा। बच्चों इस रेडियो जो हमारे यहाँ होता है उसमें भी एलसी सर्किट रिजोनेंस में लगाया जाता है जिससे कि वो सिग्नल्स को कैच कर सकें, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक रेडियो है जो कि 800 किलोहर्ट्ज़ से 1200 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में ब्रॉडकास्ट होता है, इस पे ट्यून किया जा सकता है। ये एक एलसी सर्किट कंटेन करता है जिसका इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी है, तो रिक्वायर्ड वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज क्या होगी, मींस रेंज कहां से कहां तक की कैपेसिटी का इसमें कैपेसिटर यूज किया जाए जिसकी रेंज उसके बीच में लाई करे जिससे कि ये फ्रीक्वेंसी क्या करे, ट्यून कर सके। भाई सीधी सी बात है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इसके सॉल्यूशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहां पे दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है। फर्स्ट इज द 800, फर्स्ट इज द 800 किलोहर्ट्ज, ठीक है। एल तो वही हो जाएगा बच्चों क्योंकि एल की वैल्यू फिक्स है 200 माइक्रो हेनरी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी, पहले हम C1 निकालेंगे फिर हम इसके लिए कैपेसिटी C2 फाइंड करेंगे और रेंज बता देंगे। भाई क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, तो हमको पता है एक्स, भाई रिजोनेंस होता है एलसी सर्किट का, जब रिजोनेंस होता है तो वो रेडियो क्या करता है उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लेता है, तो उस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमको पहले फाइंड करना चाहिए। अब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/2π अंडर रूट में 1/LC। तो जब पहली फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो पहली कैपेसिटर की वैल्यू पुट करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा, f1 square is equal to 1/4π² 1/LC1। तो बच्चों यहां से C1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपान
फोर पाई स्क्वायर एल एफ वन स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भाई, सी वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। एल, एल कितना है भाई, एल है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्यों, मिली हेनरी को, जब हम हेनरी में कन्वर्ट, माइक्रो हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। माइक्रो को जब हटाते हैं 10 की पावर माइनस 6 आ जाता है, ठीक है। इंटू एफ वन स्क्वायर, एफ वन कितना है बच्चों, 800 किलोहर्ट्ज़, 10 की पावर 3 का स्क्वायर। जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू 198 पिको फैरेड आएगी, 198 पिको फैरेड। इसका मतलब हुआ, ये पिको फैरेड का मतलब समझते हो, 1 पिको फैरेड में 10 की पावर माइनस 12 फैरेड इंक्लूड होते हैं, याद रखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं C2 हमको फाइंड करना है, तो फॉर C2 सेकेंड कैपेसिटर, उसके लिए हम F2 यूज कर लेंगे, कितना बच्चों, 1200 किलो हर्ट्ज, L कितना है वही 200 माइक्रो हेनरी, ठीक है, और C2 हमको फाइंड करना। बच्चों क्या मैं सेम ये फार्मूला यूज कर सकता हूं, बस C की जगह क्या आ जाएगा, C2 वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल एफ टू स्क्वायर। C2 इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर एल 210 की पावर माइनस 6, अच्छा एफ टू स्क्वायर 1200 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यू आएगी 88 पिको फैरेड, सो द रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर कितनी होगी बच्चों, 88 पिको फैरेड टू 198 पिको फैरेड। हाँ, अपना दूसरा क्वेश्चन यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों सपोज कर लीजिए कि आपको दिया है देयर इज ए लैंप रेटेड एज 100 वोल्ट 20 वाट, कितना है 100 वोल्ट 20 वाट, एंड वी हैव टू ग्लो दिस लैंप विद अ एसी सोर्स, ठीक है, हमको इसको एक एसी सोर्स के साथ जोड़ना, उसे जलाना है, हैविंग वोल्टेज 200 वोल्ट 60 हर्ज। इसमें वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी 60 हर्ज। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, वी हैव टू फाइंड सी व्हिच इज नेसेसरी टू कनेक्ट विद द सोर्स इन सीरीज ऑफ लैंप सच दैट द लैंप ग्लो सेफली, जो ये बल्ब है ये सेफली जलता रहे, उस समय हमको सी कितना रखना चाहिए, क्यों जरूरत पड़ी सी की भाई, ये 100 वोल्ट तक इसकी पावर है, मतलब 100 वोल्ट तक ये सही से काम करेगा, इससे ज्यादा वोल्ट लगा दिया तो क्या होगा, ये
खराब हो जाएगा। हमको जोड़ना किससे है, 200 वोल्ट से। इसका मतलब इसको तो हम 100 वोल्ट ही दे सकते हैं, तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज कहीं तो हमको खराब करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, वो इसके वोल्टेज को कुछ अपने पास रख लेगा। यही सी हमको कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी सी है, ये हमको फाइंड करना। बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा क्वेश्चन हम एलआर में भी कर चुके हैं। हम सबसे पहले इस वोल्टेज को पता करेंगे वी क्या है, ठीक है, और इस पावर को पता चल गया। इसके बाद बल्ब के लिए रेजिस्टेंस और करंट हमेशा फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ लैंप, इस लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है 100 का स्क्वायर, पी कितना है 20, आर इक्वल टू कितना आया वी स्क्वायर, मीन्स ये तुम्हारे पास हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया बच्चों 500 ओम, कितना आ गया यार 500 ओम। अच्छा करंट कितनी चाहिए, करंट आई कितना चाहिए बच्चों, पी अपान वी, पी कितना है 20, देखो ना पी कितना है 20 और वी कितना है 100, साल गया कितना आ गया 0.2 एम्पियर। इसका मतलब इस लैंप का अपना रेजिस्टेंस कितना था, ये रेजिस्टेंस था 500 ओम और इसको जो करंट चाहिए, रिक्वायर्ड करंट है बल्ब के लिए, वो कितनी है 0.2 एम्पियर। बच्चों हमको यहां कैपेसिटर एक कनेक्ट कर दिया गया, जब कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस आप द सर्किट कैसे निकालेंगे, तो इंपीडेंस जब निकालेंगे तो भाई जेड इक्वल टू क्या लगाएंगे, वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज कितना लगा रहे हैं वी डैश अपान करंट। मेन फंडा यही समझना होता है भाई, करंट कितनी चाहिए तुमको इसमें, जो बल्ब को चाहिए, मींस अपान में आई कौन सा रखना होता है, जो बल्ब को करंट रिक्वायर्ड होती है, बस यही ध्यान देना है बच्चों। अच्छा मींस जेड की वैल्यू क्या आ गई, वी डैश कितना है 200, आई डैश कितना है 0.2, हमने इसको हटाया जीरो बढ़ा दिया तो क्या आ गया 1000 ओम। तो ये कितना आ गया बच्चों, जेड कितना आ गया 1000 ओम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वेरी गुड। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपको पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे एक्स सी क्या है, ये है रिएक्टेंस किसका, कैपेसिटर का, मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी। तो जेड कितना आ गया भैया, जेड तो हमको पता है कितना है 1000, ठीक है बच्चों, 1000 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में, सॉरी रूट हटा दो, तभी तो आया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चों वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू एक्स सी पता नहीं, आर स्क्वायर 500 का स्क्वायर, एक्स सी की वैल्यू कितनी आएगी भैया 1000 का स्क्वायर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स सी स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, मीन्स इधर आ गया 2,50,000 और इधर कितना हो गया है 10 लाख। तो XC कितना आएगा, 10 लाख में से 2,50,000 घटा देंगे तो XC हमारे पास आ जाएगा 500, दोनों तरफ रूट ले लिया,
500 तो बाहर आ गया, रूट थ्री। दिस इज एक्सी, और जब ये एक्सी आ गया है तो क्या आप कैपेसिटेंस सी नहीं निकाल सकते? क्यों? आपने पढ़ा होगा भाई एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2πfc। दिस इंडिकेट सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2πfxc। तो सी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2π की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू 60। देखो f की वैल्यू 60 इंटू एक्ससी, एक्ससी कितना आया है 500√3। और ये c की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी, ये मिलेगा 3263.08.8। जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3.06 माइक्रोफेरेड। क्या मिलेगा, 3.06 माइक्रोफेरेड। ये इसका आंसर मींस, अगर इतनी कैपेसिटी का कैपेसिटर साथ में लगा दिया जाए, कितना 3.06 माइक्रोफेरेड का, तो ये बल्ब सेफली रन होता रहेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हमने कहा कि एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, V इक्वल टू 100 sin 200t+30। इस वोल्टेज से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। हमसे कहा गया रेजिस्टेंस जो है इसका 300 ओम है और इसकी कैपेसिटी 12.5 माइक्रोफेरेड है, ठीक है बच्चों। अब हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट, हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड आईटी मींस इक्वेशन ऑफ करंट, वीसीटी इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एट कैपेसिटर, वीआरटी इसका मतलब इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एट रेजिस्टेंस। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? इसके लिए आपको सारे सर्किट का पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए, जैसे इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। मींस आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, फिर पीक वैल्यू ऑफ कैपेसिटर निकालनी है, फिर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट रेजिस्टर निकालनी है, फिर आप इसमें सॉल्यूशन सही से कर पाएंगे, अगर इतनी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तब। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए V को कंपेयर कर दो विद V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या प्लस थीटा कह दो। स्टूडेंट्स यहां पे V नॉट कितना आ गया, 100 वोल्ट, ठीक है, एंड ओमेगा इज 200 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों सबसे पहले तो आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी एक्ससी की, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 1/ωc, 1/ω, ओमेगा कितना है बच्चों 200 और सी देखिए कितना दिया है 12.5 माइक्रोफेरेड, तो 10^-6, 10^ भाई देखो सी कितना दिया है 12.5 माइक्रोफेरेड। जब आप माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करते हैं तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमने कर लिया। तो एक्ससी यहां से क्या बनना भाई, 1/ यह आया आपका 25, 10^-6 ऊपर गया प्लस 6 हुआ 10^6 इंटू 200। ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, हियर एक्ससी हमको मिल गया 400 ओम,
एक्ससी जब हमारे पास आ गया, आर आ गया, तो क्या मैं इस सर्किट का इंपीडेंस जेड नहीं निकाल सकता? भाई रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर, इसका मतलब रूट में 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, आप सॉल्व कर लीजिए तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 500 ओम। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जेड कितना आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू 500 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। बच्चों अब हमको करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हमको पता आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा डी समथिंग होना है, तो पहले तो हमको आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? वी नॉट अपान जेड। बच्चों वी नॉट कितना दिया है? 100। जेड कितना है? 500। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 मींस 0.2 एम्पियर। आई नॉट कितना आ गया? 0.2 एम्पियर। सो आई टी इज इक्वल टू क्या आएगा? आई नॉट साइन, देखिए ये पूरा तो ऐसे ही आना है, 200t + 30। अब आगे सोचिए बच्चों, आपको पता है जो सीआर सर्किट का डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता, देखो कैसे सीआर सर्किट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना था, अभी हम लोगों ने बनाया था, इधर वीआर, इधर वीसी, नेट वोल्टेज नीचे। जब नेट वोल्टेज नीचे गया था इसका मतलब यहां पे करंट लीड कर रहा था या लैग्स कर रहा था? तो यहां पे करंट लीड कर रहा था, कितने एंगल से? ये फाई एंगल से, तो ये फाई हमको निकाल लेना चाहिए, ठीक है? यानी कि पूरा एंगल तो आना ही आना है, प्लस का फाई आ जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट लीड करता है, इसका मतलब इसमें इतना फेस क्या होगा? ऑलरेडी ज्यादा एग्जिस्ट करेगा वोल्टेज से, तो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा तो उसको छोड़ दो। अब ये फाई कैसे निकले? अरे भाई फाई निकालना बहुत सिंपल है, इस फाई को पहले कैलकुलेट कर लो कैसे। टेन फाई इज इक्वल टू याद करो एक्ससी अपान आर, अभी अभी हमने पढ़ा था। एक्ससी कितना आया भाई? 400। आर कितना आया है? 300। सॉल्व किया कितना आया? 4/3। यानी यहां से पता चला कि फाई कितना आ गया है? 53 डिग्री। अच्छा फाई हमको मिल गया, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए तो आई की इक्वेशन क्या आ गई? आई टी इज इक्वल टू आई नॉट 0.2 साइन 200t + 30 + 53। तो आई टी बच्चों हमारे पास आ गई है 0.2 साइन, तो ये आई टी आ गई है 0.2 साइन 200t + 53। अब बच्चों हमको वोल्टेज चाहिए किस पर? सी पर। तो पहले हम सी का मैक्सिमम वोल्टेज निकालें, वी नॉट सी। वी नॉट सी का मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट सी, ये कितना निकलेगा जरा सोचो? आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट हमने कितना कैलकुलेट किया है भाई? आई नॉट कहां गया? अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये है आई नॉट, ठीक है? ब्रैकेट कर लेते हैं, देखने में आसानी रहती है। आई नॉट इज 0.2। अच्छा तो वी नॉट सी कितना आएगा? 0.2 एक्ससी। एक्ससी कितना आया है? 400। तो वी नॉट सी इज इक्वल टू 80 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों? 80 वोल्ट। सो वी सी एट टी, मतलब टी टाइम पे इक्वेशन इसकी फाइंड करने जा रहे, तो क्या आएगा? वी नॉट सी साइन। अब देखिए कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग्स करता है। लैग्स करता है मतलब करंट वाली इक्वेशन में 90 डिग्री घट जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा? वी नॉट सी साइन
पूरा तो ऐसे ही आएगा 200t + 83, लेकिन इसमें 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैक्स करता है। हमने बताया था जब लीड करता है तो वो चीज जुड़ जाता है एंगल, और लैक्स करता है तो उतना एंगल क्या होता है, देखो करंट से पीछे 90 डिग्री, पीछे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो VC at t इक्वल टू क्या मिलेगा, V0C हमने ऊपर देखिए यहां पे निकाल रखा है, कितना है 80 sin 200t - 7 degree, दिस इज V0C, दिस इज VC। अच्छा अब बच्चों हमको फाइंड करना था VR, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे भाई, इसके लिए हमको V0R निकालना पड़ेगा, क्या निकलेगा I0 into R, I0 की वैल्यू 0.2, R कितना है 300, सॉल्व कर लो V0R इज इक्वल टू 60 वोल्ट, ठीक है। सो इसको वोल्ट लिखो, इसको एम्पियर लिखो, ये तो यूनिट तो आपको लिखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। V0R क्या आएगा सोचो, V0R तो हमने निकाल दिया 60 वोल्ट, अब हमको VR निकालना है एट टाइम, तो बराबर क्या आएगा V0R साइन एंगल, ये वाला तो उतना ही सेम रहेगा। अब बच्चों होता क्या है, करंट से ये वोल्टेज सेम फेस में चलता है, इसका मतलब इसमें जो फेस एंगल है वही बना रहेगा, इट मींस VR में कोई फेस डिफरेंस नहीं होने वाला, ये एज इट इज बना रहेगा जो करंट में। तो VR इज इक्वल टू 60 sin 200t + 83, दिस इज आंसर वोल्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट होके अच्छे से स्टडी कर सके।